हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों इस टॉपिक पे तो वैसे भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि आप अपना फ्री में ई कॉमर्स स्टोर या फ्री में ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यार यहाँ पे प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक ई कॉमर्स वेबसाइट की ये जो प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हो जो भी मैंने फ्री में ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड बनाई है, ठीक है। सो यार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और आज की भी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, आपका एक ऑनलाइन स्टोर फ्री में बनेगा और जो भी प्रोडक्ट होंगे वो भी आपको फ्री में मिलेंगे और आपको उन्हें डिज़ाइन करना है और उन्हें सेल करना है। मतलब कंपनीज की तरफ से आपको प्रोडक्ट वगैरह सब दिए जाएंगे, आपको उन्हें डिज़ाइन करना है और उन्हें सेल करना है और आपको अपने ही स्टोर पर सेल करना है। आपको एक पर्टिकुलर स्टोर बनाकर देगी कंपनी जिसपे आप प्रोडक्ट वगैरह सेल करोगे। सो, ज़्यादा जानकारी के लिए यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो पर मैं सिर्फ 15 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। सो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और लाइक का टारगेट कंप्लीट कराना भाई, 15 लाइक का टारगेट है, जल्दी करना ये काम, ठीक है। और चैनल पर गलती से भी आप अगर नए आए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ ये जो बेल का आइकन आ रहा है इसको भी दबा देना, इससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो आने वाली होगी ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो, इसके लिए आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर आपको लिखना है Teespring। आप यहाँ पे इसका URL देख सकते हो, आपको सिंपल गूगल में लिखना है Teespring और ये पहली जो वेबसाइट आएगी आपको इस पर करना है क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको काफ़ी कुछ डिज़ाइन करी हुई टी शर्ट और मोबाइल कवर दिख जाएंगे, तो हम सिंपल यहाँ पे करते हैं स्टार्ट डिज़ाइनिंग पर क्लिक और ये हमारे सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। सो, अभी हमारा इस पर अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, तो मैं जल्दी से करता हूँ साइनअप के बटन पर क्लिक और एक अकाउंट बना लेता हूँ अपना। सो, अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, आपको बस ईमेल आईडी डालनी है अपनी और पासवर्ड डाल के साइनअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो टू क्रिएट एंड सेल ट्रैक योर परचेज ऑर्डर कस्टम प्रोडक्ट। सो, मैं पहले वाले पर क्लिक करके क्रिएट एंड सेल पे इसे करता हूँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। सो, आप अगर एक मार्केटर हैं तो आप कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर, डिज़ाइनर, ऑर्गेनाइजेशन है आप कोई तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और अदर पे भी कर सकते हैं। सो, मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर पर और इसे करता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पे फिर आपसे ये प्लेटफॉर्म पूछेगा कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रोडक्ट हैं वो शेयर करेंगे। सो, अभी बेसिकली हम सिंपल एक पर सिलेक्ट करते हैं यूट्यूब पर और अपने चैनल का URL यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो, ये हमारे चैनल का URL है, मैं यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर सिंपल इसे करता हूँ पेस्ट। उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। ये हमसे हमारे स्टोर का नेम पूछ रहा है, सो मैं यहाँ पर सिंपल डालता हूँ अपना नाम और क्रिएट स्टोर पर करता हूँ क्लिक। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक स्टोर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरफ आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे हेडर, बैनर, प्रोडक्ट, अबाउट एंड सेटिंग के, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू डैशबोर्ड एंड गो टू स्टोर। सबसे पहले हम गो टू स्टोर को करते हैं न्यू टैब में ओपन। सो, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्टोर का जो URL होगा वो कैसा होगा, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। और आपका स्टोर कुछ ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग में जब उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। सो, यहाँ पे होम की टैब है और अबाउट की टैब है। सो, आप चाहो तो यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करके आपकी जो अबाउट की टैब आ रही थी उसमें कुछ यहाँ पर डिटेल ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और अगर आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर देना चाहते हो या और कोई सोशल अकाउंट अपना कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसे सिंपल करना है आपको फिर सेव। उसके बाद यहाँ पर आप अबाउट की टैब देखोगे रिफ्रेश करके,
सो जो भी डिटेल आपने वहाँ पर ऐड करी होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। सो अब कोई प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट ऐड करने से पहले मैं आपको समझा दूँ ये हेडर और बैनर का क्या मैटर है। यहाँ पर हेडर पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके स्टोर का टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई लोगो भी अपलोड कर सकते हो अपने स्टोर पर। सो मैं यहाँ पर अपना ही फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टोर की थीम है तो मैं उसे भी यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पे लाइव आपको यहाँ पर डेमो दिख जाएगा किस तरीके से आपका स्टोर शो होगा। और यहाँ पे इसे करते हैं सेव। सो अब जब आपने अपने स्टोर के हेडर में अपना फोटो और वो लगा दिया है तो अब इसे जब आप रिफ्रेश करोगे अपने स्टोर को तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज हो जाएगा और आपके स्टोर का लोगो यहाँ पर आ जाएगा। सो अब सिंपली यहाँ पर बैनर भी देख लेते हैं इसी तरीके से। बैनर पे क्लिक करके आपको करना है अपलोड इमेज और यहाँ पे कोई इमेज हम सिलेक्ट करते हैं। सो अब अपने स्टोर को करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर आप देख सकते हो बैनर भी हमारा शो हो रहा है। यहाँ पर इस जगह बैनर शो होगा। अब इतना तो हो गया। आप एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर डाल कर देख लेते हैं। प्रोडक्ट एड ए प्रोडक्ट और यहाँ पर करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी वैरायटीज आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो चूज योर प्रोडक्ट। आप टी शर्ट वगैरह या फिर पिलोज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे जिन्हें आप डिज़ाइन करके अपने स्टोर पर लगा सकते हो। सो मैं सिंपली एक प्रोडक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ जल्दी से। कोई टी शर्ट ही देख लेते हैं। ये ब्लैक वाली टी शर्ट को हम करते हैं स्टार्ट विद दिस और यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी टी शर्ट आ जाएगी उस कैटेगरी की जिसका प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट अप्रॉक्स $10 की है ये। ऐसे ही आप बाकी टी शर्ट की भी प्राइसिंग चेक कर सकते हो। सो मैं ये फर्स्ट वाली पे ही करता हूँ जल्दी से स्टार्ट डिज़ाइनिंग और हम करेंगे सेल। सो यहाँ पे आपके सामने टी शर्ट आ जाएगी बिल्कुल प्लेन में। आप यहाँ पे इसका फ्रंट और बैक दोनों देख सकते हो। सो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस होंगे। आप देख सकते हो डिज़ाइन योर प्रोडक्ट, यहाँ पर ऐड इमेज है और ऐड टैक्स है। सो हम सिंपल कोई फ़ोटो ऐड करते हैं सबसे पहले। ये फ़ोटो हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टी शर्ट पे फ़ोटो है आपको कैसे ऐड करना है। और आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर लें कि जो आपका जो फ़ोटो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं टैक्स पे क्लिक करके टैक्स भी ऐड कर रहा हूँ और टैक्स को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे ही आपको करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये टैक्स का कॉलम एक्स्ट्रा है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे कर रहा हूँ डिलीट। और यहाँ पर इस टैक्स को हम करते हैं बोल्ड इटैलिक कुछ भी चेक करते हैं। यहाँ पर इसके फॉन्ट्स वगैरह भी कुछ दिए गए हैं हमें। सो यहाँ पर मैं डिज़ाइन करता हूँ। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉन्ट रखना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही फॉन्ट रहने देता हूँ अभी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छेड़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से हमारी जो टी शर्ट है वो शो होगी। अब इसके बैक में भी आप अगर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हो सो आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि बैक में कोई दूसरा फ़ोटो शो हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट है और बैक है, आप दोनों खुद डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे चूज़ प्रोडक्ट कलर। सो यहाँ पे अभी वाइट है, हम करते हैं प्लस पे क्लिक और यहाँ पर आप अपनी टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो अपनी टी शर्ट का। सो ये कलर सही लग रहा है इस पर, ठीक है, इसे करता हूँ मैं डन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेट योर प्राइस, प्राइस फॉर प्रोडक्ट फुलफिल फ्रॉम द US। आप यहाँ पे प्राइस वगैरह भी सेट कर सकते हो। सो ये हमें $21.99 का सजेशन दे रहा है। सो ये प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो अप्रोक्स $10 के करीब थी तो मैं ज़्यादा नहीं सिर्फ इसे अभी $15 कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे $15 करा है तो मेरी जो अर्निंग हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पर सेल पर देख सकते हो 2.23। मैंने अभी सिर्फ इसे $15 करा है
ठीक है, और ये जो अर्निंग होगी ये यूएस पे होगी। आप यहाँ पे कंट्रीज वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो कि आपको कितना होगा कितनी प्राइस रखने पर। सो मैं इसे अभी 15 पर ही रहकर आपको समझाने के लिए इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आप चेक कर लें कि आपको कितना प्राइस रखना है अपनी टी शर्ट का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी फ़ोटो थी उसका रिजोल्यूशन कुछ लो था, आप यहाँ पे देख सकते हो लो रिजोल्यूशन इमेज, ठीक है। सो आप फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की लगाएं इसमें, तभी आपकी जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट करी जाएगी। सो मैं जल्दी से दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यार इसका कलर थोड़ा सा वापस चेंज कर लेते हैं, ये इस पर अच्छा नहीं लग रहा। सो ये ठीक है, इसे करते हैं डन और अब करते हैं इसे कंटिन्यू। सो ये फ़ोटो ठीक थी इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो टी शर्ट है वो आ जाएगी यहाँ पर बनी हुई। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेंस यूनिसेक्स टी शर्ट है और ये वुमेंस के लिए है। और यहाँ नीचे की तरफ आप कुछ और हुडीज भी देख सकते हो, और यहाँ पे आपको कुछ अलग से स्लीव्स वगैरह भी आपका जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा। सो मैं सिंपली यहाँ पर इन्हें इस टी शर्ट को क्लिक कर इसे करता हूँ सिलेक्ट स्टाइल, और सिंपली मैं अपने स्टोर में कौन कौन सी ऐड करूँ भाई, सिलेक्ट ऑल कर दूँ, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हो प्राइस तो कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाली टी शर्ट पर हमें अप्रॉक्स $7.56 का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 6.70 का। सो आप चेक कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको लगता है कि जो भी कस्टमर है उसके लिए प्राइस बेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस सेट करें। और मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ डन भाई, अब डन, ठीक है, वो 5 स्टाइल हो गए। और अब हुडीज़ के भी कुछ स्टाइल ले लेते हैं, क्योंकि हुडीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। और हुडीज़ पे क्लिक करके मैं खाली ये वाली हुडीज़ ऐड कर रहा हूँ, ब्लैक कलर वाली थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ओके, खाली एक ही कर लेते हैं वाली, इसे करते हैं डन। ये यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर हमें अप्रोक्स $15.58 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसे आप करते हैं कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने टाइटल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो भी नाम अपनी टी शर्ट को देना चाहते हो वो दे सकते हो, और डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हो कुछ देना तो वो भी दे सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट फर्स्ट इमेज बायर सी, ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से कि आपका जो कस्टमर है उसे कौन सी साइड पहले शो हो, फ्रंट हो या बैक हो। आप यहाँ पे URL देख सकते हो, URL में हम दे देते हैं, और यहाँ पे स्टोर का नाम तो हमारा आ ही रहा है, इसे करते हैं पब्लिश लिस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेटिंग प्रोडक्ट इमेज फॉर योर लिस्टिंग, ये प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे स्टोर के लिए, हमने ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करे हैं उनको, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है, सारे प्रोडक्ट जो जो आपने डिज़ाइन करे हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये मैंने तो अभी कुछ भी डिज़ाइन नहीं करे, आप इससे अच्छे डिज़ाइन कर सकते हो भाई, मैंने डिज़ाइन क्या करा है, फ़ोटो लगाया सिर्फ अपना। आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन करो ताकि कस्टमर को सही से प्रोडक्ट शो हो, ठीक है। और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे स्टोर का भी, आप इसे चेकआउट कर सकते हो कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। सो अपने स्टोर वाले URL पर जाकर मैं इस टैब को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ नया ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैनर के नीचे हमने जो टी शर्ट्स ऐड करी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। सो मैं यहाँ पे आपको ये हुडी ओपन कर दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फ्रंट साइड और इसकी बैक साइड, ठीक है, आप सही से डिज़ाइन करना। और यहाँ पर हम नीचे करते हैं तो आप यहाँ पे साइज देख सकते हो, SL, SML, XL, 2XL, आपको सारे साइज ऑलमोस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपने कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कस्टमर होगा वो अपना कलर खुद यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है कि उसको किस कलर में टी शर्ट या हुडी जो भी प्रोडक्ट हो वो चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर खुद अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट कर सकता है, तो मैं यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करके देख लेता हूँ मेरे कौन सा साइज आता है, L। और यहाँ पे करते हैं बाय इट नाउ पर क्लिक, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट देख सकते हो,
और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था ये भी आपको पता है। और यहाँ पे जैसे ही कस्टमर करेगा इसे प्रोसीड टू चेकआउट, तो ये जो सारा प्रोसेस है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाने का, ठीक है, ये सब कुछ टीस्प्रिंग खुद मैनेज करेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कराया है उसमें आपको जो भी प्रॉफिट दिख रहा था अपना वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना एक स्टोर बना सकते हो ऑनलाइन, अपने डिज़ाइन करे हुए प्रोडक्ट फ्री में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बेच सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और आप इसे ज़रूर यूज़ करें क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप अपना खुद का एक स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आप सिंपली अपना एक स्टोर बना सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट अपने डिज़ाइन करे हुए और भी प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है टी शर्ट वगैरह, इसमें जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं आप वो चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना एक स्टोर इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं, वो भी 0 रुपीज़ में, और आपको इसमें पता भी चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है पर सेल पर। सो आई होप यार आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करना यार, और नीचे कमेंट तो आप करोगे ही, कमेंट ज़रूर करना। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना यार, काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है यार वीडियो बनाने में और टॉपिक सर्च करने में, ठीक है। सो वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और गलती से भी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के साथ ये जो बेल का आइकन आ रहा है इसको भी दबा देना, इससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे आगे ऐसी ही किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।